दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं जो हेयर पैच में भाई कुछ पैच ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर के भाई कलर हो ही नहीं पाता, कि भाई उन पैचों के बारे में भी आज आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देख लेना, छोटी सी शॉर्ट वीडियो है ये, ठीक है। जैसे कि भाई हम बिल्कुल लो क्वालिटी में पैच लेते हैं कि जैसे भाई 6-7 हज़ार रुपए की रेंज में पैच आ गया तो, और उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर जो बाल होते हैं ना, उसके अंदर वो भाई प्लास्टिक के बाल होते हैं भाई। अगर आप और अच्छी क्वालिटी में लेंगे तो भाई जैसे कलर आप चाहते हैं कि जैसे मतलब आपको ब्राउन शेड में चाहिए हो या थोड़ा सा बरगंडी में चाहिए हो तो भाई उनमें, या हाईलाइट में चाहिए हो तो भाई उनमें वो कलर जो है आपको हेयर पैच में मिल जाता है, जो कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने भाई कलर करा हल्की क्वालिटी में, तो कलर करने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि भाई हमने उसको रख भी दिया, कम से कम 20-25 मिनट रख दिया, और उसके बाद में बस 2 हफ्ता या 10 दिन कलर उसमें मतलब रहता है, उसके बाद में जो है भाई कलर निकल जाता है। फिर बाद में ये कंप्लेंट आती है कि भैया उसमें से कलर निकल गया। तो भाई उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब भी आप क्वालिटी लगाएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छी रेंज में क्वालिटी लगवाइए, जिससे कि आपको भाई बालों में कलर कराना हो, आपको जैसे नेचुरल ब्लैक भी कलर होता है, जैसे नेचुरल ब्लैक जो कलर होता है वो ना ज़्यादा ब्लैक होता ना ज़्यादा ब्राउन होता, तो वो नेचुरल कलर होगा। तो अगर वो कलर ज़्यादातर रखते हैं बहुत लोग हमारे दोस्त, तो उसमें क्या है वो कलर आपका बहुत इजी तरीके से चढ़ जाता है उसमें, अगर अच्छी क्वालिटी लेते हैं तो। क्योंकि उसमें फर्क किस चीज का होता है दोस्तों, कि जैसे उसमें जो होगा ना बाल, उसमें अच्छी क्वालिटी के बाल होंगे, ठीक है, उसमें नेचुरल बाल होगा उसके अंदर, उसमें कोई भी बाल प्लास्टिक का नहीं होगा अच्छी क्वालिटी में, ठीक है गाइस। बाकी जाते जाते एक लाइक कर जाना, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर देना, ठीक है गाइस। चलते हैं बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल की वीडियो में और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियो ऐसे लेकर आता रहूंगा। बाकी आप हमारी प्रोफाइल पर टच करिए, और काफ़ी सारी वीडियो आई हुई हैं, जैसे मतलब इसे लगाना हटाना और इसको वॉश करना, लगने के बाद में लुक कैसा आता है, किस तरीके से आता है, ठीक है, इसमें पूरी सारी डिटेल दी गई है आपको, जिससे कि आपको भाई बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ करने में, ठीक है। आप चाहे हमारे पास से लगवाया हो या कहीं से भी लगवाया हो, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा यूज करना, कि भाई यूज कैसे करना है, ठीक है। बाकी कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा भाई, कल बनाऊंगा मैं खाली इसके वॉशिंग के ऊपर, कि आपको वॉशिंग का बता दूंगा कि भाई अगर टैंगल्स वगैरह बन जाए तो कि किस तरीके से आपको टैंगल्स निकालने हैं इसमें, ठीक है गाइस। और एक चीज और भी है दोस्तों, कि जैसे कि इसमें जब टैंगल्स बन जाते हैं तो भाई कंघा करते हैं हम, तो इसमें बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो उसके ऊपर भी सारी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसे ही यार मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, और इसमें क्या है ना दोस्तों, वीडियो सबसे पहले जब आपके पास जब ही पहुंचेगी, जब इसे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से क्या है, सबसे पहले जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगी हमारी, ठीक। बाकी और किसी के पास तो बाद में जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपके पास जाएगी हमारी वीडियो, ठीक है गाइस। बस जाते जाते एक लाइक कर जाना, और एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर देना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हेयर पैच यूज करने में, तो आप कमेंट्स कर देना, उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी रेट लिस्ट वगैरह सब है हमारी वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी और दिवाली का जो है भाई ऑफर भी चल रहा है अभी, ठीक है गाइस, चलते हैं।